सिर्फ यही नहीं, जलजला मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान रेस्क्यू 112 की टीम लाहौर से इस्तांबुल रवाना हो गई है। अंस जफर रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुसीबत की घड़ी में ब्रादर मुस्लिम मुल्क तुर्किया के शाना बशाना खड़ा है। वजीर आजम की हिदायत पर रेस्क्यू 112 की 51 रुकनी टीम लाहौर से तुर्किया के लिए रवाना हो गई। जलजले की वजह से जो वहाँ पर मसाइल पेश आए हैं, हम उसकी मदद करने के लिए अपनी हर तरह की जो भी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम कोशिश कर सकती है, अपनी तमाम सलाहियत और जो कुछ भी साज सामान हमारे पास है उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस गम की घड़ी में, दुख की घड़ी में हर तरीके से उनकी मदद की जा सके। रेस्क्यू टीम मुनहदिम इमारतों के मलबे से मुतासरीन को तलाश करने और फौरी तिबी इमदाद के साथ रेस्क्यू की जरूरी अमली और तकनीकी महारत रखती है। पाकिस्तान की रेस्क्यू टीम जो है इस वक्त फौरी तौर पे जो है तुर्किया जा रही है ताकि वहाँ पे जितने भी अफराद जिनको इस वक्त हमारी जरूरत है उनकी मदद की जा सके और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैजुअल्टीज जो है, जो मैक्सिमम लाइफ्स है, उनको मलबे से निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम की कियादत कमांडर पाकिस्तान रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम स्पेशल फ्लाइट से तुर्किया के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम यूएन इंसराग सर्टिफाइड इज रेडी टू हेल्प द रिपब्लिक ऑफ टर्किया इन दिस हार्ड टाइम एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू सेव लाइफ। रेस्क्यू टीम सर्च, टेक्निकल रेस्क्यू, रूप रेस्क्यू, मेडिकल टीम, कमांड सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक टीम पर मुश्तमिल है। अंस जफर समा, लाहौर।